2019 आम चुनावों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, इस पर कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन आज सपा की जो सूची आई है उससे अटकलों पर विराम लग गया है। एसपी की तरफ से जारी नई सूची में अब साफ हो गया है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से किस्मत आजमाएंगे अखिलेश यादव, आइए देखते हैं। अखिलेश के चुनाव लड़ने और सीट को लेकर इस बार शुरू से ही सियासी गलियारों में अलग अलग अटकलें थी। हालांकि पिछले दिनों अखिलेश ने खुद संकेत दिया था कि वो आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और रविवार को आधिकारिक रूप से एसपी ने इसकी घोषणा कर दी है। जी हां, अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जबकि आजम खान इस बार रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ भी माना जाता है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, और अब अखिलेश अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश 10 साल बाद उतरने जा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश ने मई 2009 में लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से अपने बसपा के प्रत्याशी SPS बघेल को हराया था। इसके अलावा वे कन्नौज से भी जीते। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट से त्याग पत्र दे दिया और कन्नौज सीट अपने पास रखी। DB Live की रिपोर्ट।